मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुद्वारा में माथा टेका। उन्होंने प्रदेशवासियों को गुरु नानक जयंती की बधाई दी। वहीं आगामी 17 नवंबर को सीएम हाउस में प्रकाश पर्व का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शुक्रवार को गुरु नानक जयंती पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेका और गुरु नानक जयंती की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी अखंड भारत के प्रणेता थे। वैसे महापुरुष थे जिन्होंने जीवन भर सच्चाई, अच्छाई, बराबरी, मानवता के लिए काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक जी देश के साथ दुनिया के लिए आदर्श हैं। उनका अखंड भारत में जन्म हुआ, वे अखंड भारत के प्रणेता थे। उन्होंने बताया कि 17 नवंबर को सीएम हाउस में प्रकाश पर्व का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं डॉक्टर यादव ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की भी शुभकामनाएं दी हैं। तारीख को प्रकाश पर्व का बड़ा आयोजन सीएम हाउस में रखा गया है। आप सबके माध्यम से सबको अपील करता हूँ, आइए हम सब मिलके। मेरी अपनी ओर से आज तो प्रकाश पर्व की बधाई। मैं आज हमारे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का भी दिन है, ये सौभाग्य की बात है। इसलिए आज यहाँ से धार और धार के बाद शहडोल जा रहे हैं। बिरसा मुंडा का बड़ा भव्य कार्यक्रम भी होने वाला। हमारा आदिवासी भाई बहनों सहित पूरा देश और पूरा प्रदेश उनको मानता है। यशस्वी प्रधानमंत्री भी जुड़ेंगे। मेरी अपनी ओर से बिरसा मुंडा जयंती की भी बधाई। भाई साहब, बिजनेस तो आपने खोल लिया, पर बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ तो करना होगा। आप पुराने तौर तरीके भूल जाइए, जमाना बिल्कुल बदल गया है। आप घर बैठे अपने स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, क्लिनिक, रेस्टोरेंट या ज्वेलरी शोरूम के साथ साथ शॉपिंग मॉल या फिर किसी भी तरह के बिजनेस का जोरदार और धमाकेदार ऑडियो या वीडियो तैयार कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, हम देंगे आपको बिल्कुल बढ़िया समाधान। जी हाँ, हम हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंट्स एंड पब्लिशर्स। नाम तो सुना होगा। आपके बिजनेस के प्रचार की पूरी गारंटी हमारी। आप हमें व्हाट्सएप करें 7805818606 पर।